आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं जोहेब खान गूंज लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है, खबर निकल के आ रही है दिल्ली एम्स। एक कॉमेडियन जो दुनिया को हंसाता था, दुनिया को हंसना सिखाया, वो आज शांत हो गया। आज एक गम का माहौल है राजू श्रीवास्तव के परिवार में। जी हाँ, राजू श्रीवास्तव जो एक कॉमेडियन थे, एक एक्टर थे, जिन्होंने 16 पिक्चरों में काम किया, 16 मूवीज़ में काम किया है और 14 सीरियलों में काम किया। उनका जन्म 25 दिसंबर 1963 को उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था, कानपुर ज़िले में हुआ था। अंठावन वर्ष के थे, काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे, कॉमेडियन थे, एक्टर थे, उससे बढ़ के काफ़ी अच्छे व्यक्ति भी थे, काफ़ी सरल, काफ़ी सुलझे हुए, अपने फिटनेस को लेके सजग, अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग। वो कहीं भी रहते, शोज़ के लिए अगर बाहर जाते या होम टाउन में होते या मुंबई में होते, वो जहाँ भी होते जिम जरूर जाया करते थे। वो फिटनेस को लेकर के काफ़ी सजग थे, काफ़ी वर्कआउट करते थे जिम में। इसी प्रकार 10 अगस्त को दिल्ली गए हुए थे, कुछ शोज़ भी थे उनके और कुछ लाइनअप थे, और वो 2014 को बीजेपी ज्वाइन किए, तो वहाँ कुछ मीटिंग भी थी। हमारे गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ उनकी मुलाकात थी 10 अगस्त 2022 को। तो सुबह वो अपना रूटीन के हिसाब से जिम गए हुए थे, जिम में वर्कआउट कर रहे थे और ट्रेडमिल में रनिंग कर रहे थे। ट्रेडमिल में रनिंग करते हुए अचानक उनको चेस्ट पे पेन हुआ और वो गिर पड़े। गिरने के बाद वहाँ जो उनके साथी थे, जो वहाँ पे थे, उन लोगों ने उनको दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया। एम्स में भर्ती करवाने के बाद पता चला कि उनको हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक की जानकारी के बाद उनका इलाज हुआ, उनकी एंजियोप्लास्टिक हुई। एंजियोप्लास्टी होने के बाद में उनको रिलीफ नहीं मिल रहा था, उनका पल्स रेट काफ़ी कम था, तो डॉक्टरों ने उनका सीटी स्कैन भी करवाया। सीटी स्कैन में पता चला उनके दिमाग के एक भाग में सूजन है। स्थिति पर सुधार भी हो रही थी, लेकिन अचानक बुधवार को उनके परिजनों ने डिक्लेयर किया, डॉक्टरों ने डिक्लेयर किया कि वो अब हमारे बीच में नहीं रहे, अब सिर्फ उनकी यादें हमारे बीच में रहेंगी। राजू श्रीवास्तव मेरे फेवरेट कॉमेडियन भी रहे, काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे। हालांकि मेरी कभी उनसे मुलाकात होने का अवसर नहीं मिला मुझे, लेकिन जितना भी मैंने उनको जाना है, जितने भी उनके शोज़ देखे हैं मैंने, काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे, काफ़ी दिलेर थे। उनकी 2 बार पहले भी एंजियोप्लास्टी हो चुकी थी, ये तीसरी बार थी। तीसरी बार में शायद नहीं बच पाए, 58 साल में वो हम लोगों को छोड़ के चले गए, 58 साल के थे वो। और ये काफ़ी दुखद है मेरे लिए भी, क्योंकि पर्सनली मेरे वो फेवरेट थे, मैं काफ़ी उनको देखा करता था, उनके शोज़ देखा करता था। मेरे लिए दुखद है। आप लोगों के लिए क्या है, आप कितना राजू श्रीवास्तव को जानते हैं, मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। यूं ही हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।